हेलो 42, अभिवादन आपका एक्जिमर के इस एमबे के पांचवें पार्ट के वीडियो एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबे के न्यूट्रलाइट किट ब्रांड के बारे में, कि यह न्यूट्रलाइट किट ब्रांड आपके बच्चे के लिए है कितना फायदेमंद, ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। एमबे के अन्य प्रोडक्ट्स के बारे में भी हमने 4 वीडियो पहले बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। एमबे के न्यूट्रलाइट किट ब्रांड को देखने के बाद आपको मिलती है एक इम्प्रेसिव इंग्रेडिएंट लिस्ट, लेकिन ट्रैफिक लाइट लेवलिंग सिस्टम के अनुसार अगर किसी ब्रांड में फैट 3 ग्राम पर 100 ग्राम और शुगर 5 ग्राम पर 100 ग्राम से ज्यादा हो तो ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और न्यूट्रलाइट के किट ड्रिंक में शुगर 10.77 पर 25 ग्राम है, यानी 43.08 ग्राम पर 100 ग्राम। अगर सीधे शब्दों में कहें तो लगभग आधी तो इसमें शुगर है और फैट की मात्रा 2.38 ग्राम पर 25 ग्राम, यानी 9.52 ग्राम पर 100 ग्राम के बराबर है। तो ट्रैफिक लाइट के मानकों के अनुसार यह प्रोडक्ट सिर्फ फैट और शुगर के मानक के अनुसार ही उपयोग करने लायक नहीं है। इस प्रोडक्ट में शुगर और फैट स्वास्थ्य मानकों से कहीं ज्यादा है। इन चीजों के अलावा कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स में जिन आर्टिफिशियल विटामिन्स की बात करती हैं, वे ना तो शरीर में ठीक से एब्जॉर्ब होते हैं और ना ही उनका कोई फायदा होता है। कंपनियां भी इस बारे में कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं कराती कि उनके प्रोडक्ट के इस्तेमाल से आपको कोई फायदा हुआ है या होगा। आप में से जो लोग इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको शायद लगता हो कि इनके इस्तेमाल से कोई फायदा हो रहा है, तो यह सिर्फ आपका भ्रम है। और इस प्रोडक्ट के लिए मेरी रेटिंग है 10 में से 1 स्टार। और आइए अब थोड़ी बात कर लेते हैं एमवे के न्यूट्रलाइट ब्रांड के तहत आने वाले कई प्रकार के मल्टीविटामिन्स और प्रोटीन पाउडर के बारे में। 2015 में FSSAI की एक याचिका के आधार पर कोर्ट ने इस कंपनी को भारतीय खाद्य नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया। कोर्ट ने यह पाया कि कंपनी अपने न्यूट्रलाइट ब्रांड को बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के ग्राहकों को धोखा दे रही है। इस आरोप में कोर्ट ने कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी किया था। कोर्ट का यह मानना था कि कंपनी जो क्लेम अपने न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट्स के बारे में कर रही है उसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। दरअसल एमबे का दावा न्यूट्रलाइट को लेकर यह था कि उसके ब्रांड में एक्सक्लूसिव प्राकृतिक तत्व जैसे फाइटोफैक्टर प्लांट कंपाउंड पाए जाते हैं। अपने इस दावे को सही साबित करने के संदर्भ में कंपनी कोर्ट में कोई वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाई, इसीलिए कोर्ट ने कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना किया था। और यह बात एमबे के रिप्रेजेंटेटिव ने आपको कभी नहीं बताई होगी। उसने आपको यह भी नहीं बताया होगा कि अगर आप एमबे के न्यूट्रलाइट किट ब्रांड का उपयोग कर रहे हैं तो इसमें लगभग 43% तो सिर्फ चीनी मिली हुई है। आपको विश्वास नहीं होता तो आज ही इंग्रेडिएंट लिस्ट देखें, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं। इसी तरह के एक केस में कोर्ट में एमबे के एक दावे की और धज्जियां उड़ी। कंपनी दावा करती है कि उसके मल्टीविटामिन पर एक स्पेशल कोटिंग होती है जिसे वे न्यूट्रलाइट एक्सक्लूसिव न्यूट्रिया लॉक कहते हैं। कंपनी का दावा है कि यह लॉक टेबलेट्स को खाने में आसान बनाता है। कोर्ट में एमबे न्यूट्री लॉक मात्र एक जुमला निकला। कंपनी इस दावे के समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकी। इन्हीं तथ्यों के आधार पर FSSAI की प्रोडक्ट अप्रूवल डिवीजन ने न्यूट्रलाइट सीरीज के आयरन फोलिक, नेचुरल बी और बायोसी का अप्रूवल भी रद्द कर दिया था। फूड रेगुलेटर ने माननीय कोर्ट को बताया कि ये कंपनियां अपने प्रोडक्ट को फूड कैटेगरी में इसलिए रखती हैं क्योंकि ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के कड़े नियमों और क्लिनिकल ट्रायल से बच सकें। यह तथाकथित बड़े लोग सिर्फ आपसे दावे करते हैं और उन दावों के पीछे कोई वैज्ञानिक प्रमाण और क्लिनिकल ट्रायल नहीं होता। जो प्रोडक्ट आपको आपकी सेहत सुधारने के नाम पर बेचे जा रहे हैं उनके उपयोग से आपको कितना फायदा होगा, शायद इसका भी कोई वैज्ञानिक प्रमाण या रिसर्च इन कंपनियों के पास नहीं है। यदि आप एमबे या किसी अन्य कंपनी के मल्टीविटामिन्स ब्रांड का इस्तेमाल करते हैं तो मेरी आपको यही सलाह होगी कि आपको कंपनी से इस बात की मांग जरूर करनी चाहिए कि इनके प्रोडक्ट्स को खाने से कितने लोगों को दुनिया में कितना फायदा हुआ है, इसके बारे में कौन सी रिसर्च कंपनी के पास उपलब्ध है, कृपया यह बताया जाए और ऐसी रिसर्चेस पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराई जाए जिससे लोगों के पास इन मल्टीविटामिन्स और प्रोटीन पाउडर के बारे में सही और सटीक जानकारी उपलब्ध हो सके। भारत ही नहीं, अमेरिका में भी कंपनी ने 2010 में $150 मिलियन का भुगतान आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में इसलिए किया था क्योंकि कोर्ट में यह पाया गया कि एमबे व्यापार के लिए अनुचित साधनों का उपयोग करती है। एमएलएम के इतिहास में यह कोर्ट सेटलमेंट
दुनिया का सबसे बड़ा कोर्ट सेटलमेंट था। तो यह थी भारतीय बाजार में उपलब्ध मल्टीविटामिन्स ब्रांड के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम इस विषय पर विस्तृत वीडियो जल्द ही ला रहे हैं, जिसमें हम कई कंपनियों के मल्टीविटामिन्स ब्रांड के दामों को जरा नजदीक से वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर परखने की कोशिश करेंगे। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त, और वीडियो के अंत में डिस्क्लेमर यह है कि मेरा किसी भी ब्रांड या कंपनी से कोई भी द्वेष नहीं है और ना ही मैं किसी भी कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ। मैं तो एक उपभोक्ता की तरह यह जानने की कोशिश करना चाहता हूँ कि मैं जिस ब्रांड के लिए पैसे चुका रहा हूँ और कंपनी मुझसे जो दावा कर रही है वह वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर हो, न कि सेल्स एजेंट के जमानी जमा खर्च पर आधारित हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ब्रांड्स द्वारा किए जा रहे भ्रामक दावों को समझने में मददगार साबित होगा। इस विषय से संबंधित आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।